हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज जो है थर्ड वीडियो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। जो उसके पहले दो वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, इस वीडियो में हम यहाँ तक बनाना सिखाया था। तो इस वीडियो में आपको मैं क्या सिखाऊंगा, इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा इसकी थ्रेड कैसे बनती है। जैसे यहाँ पे मेल पार्ट है और यहाँ पे फीमेल पार्ट है, तो मेल और फीमेल पार्ट में थ्रेड की कॉन्सेप्ट कैसे होता है। और दूसरा जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है जिसमें इसमें सिखाऊंगा, जैसे ये पार्ट है, इसमें मैं सिखाऊंगा कोलैप्सिबल कोड से कैसे थ्रेड निकालते हैं ना। तो कोलैप्सिबल कोड के लिए आपको किस किस तरीके से थ्रेड बनाना पड़ेगा, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे थ्रेड बताऊंगा, स्टैंडर्ड क्या होता है, किस हिसाब से थ्रेड बनाना पड़ेगा। जैसे मैं अगर थ्रेड की बात करूँ, है ना, जैसे हम किसी कैप की थ्रेड बनाते हैं तो 400 होता है थ्रेड नंबर होता है, 710 होता है, 715 होता है, 725 होता है, 730 होता है। तो ये 710, 725, 730 क्या होता है, तो क्या किस हिसाब से आपको थ्रेड डिजाइन करोगे, तो क्या कैलकुलेशन लेके बनाना पड़ता है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो चीज़ें। और दूसरी चीज़ें, हम जो थ्रेड यूज़ करते हैं, कोई आपका एक्मी होता है, कोई अमेरिकन होता है, कोई एसएमई होती है, कोई स्क्वायर थ्रेड होती है, वो एप्लीकेशन किस थ्रेड कहाँ पे एप्लीकेशन होता है, उसके ऊपर मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको दिखा के बताऊंगा कि ये थ्रेड होता है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इस वीडियो में बहुत सारा चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक आपको कैप के भी मिलेंगे और दूसरे आपको यहाँ पे जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट उसकी थ्रेड कैसे कंसीडर करते हैं वो भी बताऊंगा। थर्ड पर्सन में जो आएंगे, जो यहाँ पे मेरा ये ऑब्जेक्ट है, जैसे आप देख पाओगे, ये जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली ये पीएस का बनता है, मतलब पुलिस ट्रेनिंग के बनती है। पुलिस ट्रेनिंग क्यों बनाते हैं, इसकी क्या एप्लीकेशन है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं सारा थ्रेड की कॉन्सेप्ट कवर करूंगा और उसके बाद दो पार्ट बनाऊंगा। और उसकी जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होंगे जो इस वीडियो में कवर करूंगा, तो उसमें आएंगे ये पार्ट और ये पार्ट के हम मीटिंग कैसे करेंगे, दोनों के बीच में जो टॉस की ऑन ऑफ स्विच होता है वो कैसे काम करेगा, नीचे जो यहाँ पे लाइट लगाऊंगा वो लाइट कैसे काम करेंगे, फिर इसकी साइजिंग कैपेसिटी के लिए हम कैसे स्लॉट बनाएंगे, वो स्लाइड कैसे होंगे, उसको असेंबली कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में वो सारा चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक जुड़े रहना है। और जो भी लोग जो है डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में, जिसको भी कुछ चीज़ें पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, नीचे नंबर मेंशन है वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को ट्रेनिंग वगैरह चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। And one more thing I want to discuss with you. Those who want to take online classes, they can join with me. So many courses I provide, like mold designing, tool designing, reverse engineering, CNC programming, product designing. So many courses I have. Those who want to join my classes, they can directly ping me on WhatsApp or the contact number I have provided. They can directly contact with me. तो इस वीडियो में जो लास्ट होंगे, लास्ट में मैं जो है इसकी जो है कंप्लीट मोल्ड डिजाइन डाल दूंगा, जो ऑलरेडी हमने मैन्युफैक्चर किया है उसके साथ मैं फोटो डाल दूंगा। और जो प्रोडक्ट की 30 शॉट निकला है, मतलब जो पहला शॉट निकला है, तो उसकी भी मैं डाल दूंगा, क्योंकि जो भी मैं मोल्ड डिजाइन बनाता हूँ उसकी आपको 30 पार्ट में हमेशा दिखाता हूँ। और जो भी मोल्ड डिजाइन मैं बनाता हूँ, जिसके लिए भी मैं मोल्ड डिजाइन बनाता हूँ, मैं 30 में ओके सैंपल दूंगा, ये मेरे तरफ से गारंटी रहता है। तो आप देख पा रहे हो इसकी जो है, मैं जब इसकी वीडियो की लास्ट में मैं कंप्लीट डाल दूंगा। और जो भी कैलकुलेशन थ्योरीज वगैरह होंगे, जैसे एक रिप के साथ दूसरा रिप की कितना डिस्टेंस होना चाहिए, है ना, इसको हम स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो हर एक चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, अपना जो लास्ट क्लास थे, तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक बनाया था, कितना बनाया था। तो अभी फिलहाल जो है, पहले मैं ऊपर का पोर्शन वाला खत्म करूंगा, फिर जो मैं नीचे का पोर्शन खत्म करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर का पोर्शन में क्या आएगा, ये वाले पोर्शन आएंगे। तो यहाँ पे जो मिरर बॉडी है इसको मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर कर दिया। और अभी ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके साथ आपका थ्रेड होंगे, वो वाले एरिया बनाऊंगा सबसे पहले मैं। तो आपको एक चीज और देखना है, जैसे यहाँ वाले ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे एक हाइट है, मतलब यहाँ से कुछ मेटल कम है, कहीं पे ज्यादा है, आपको ये देखना है यहाँ से यहाँ का मेटल कितना है दस mm, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक एक्सट्रूड बनाऊंगा। 10 mm से एक्सट्रूड क्यों बना रहा हूँ, आपको मैं सेक्शनिंग करके समझाता हूँ। कंट्रोल एच दबाया मैंने, कंट्रोल एच से सेक्शनिंग होता है। देखो यहाँ पे थिकनेस कम है और यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। और मेरा बाहर जो है रिप्स है, तो मेरा जो भी सिंग मार्क वगैरह आएंगे अंदर आएंगे, अंदर आएगा तो मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरा बाहर वाले ऑब्जेक्ट मेरे को क्लीन चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक जो है, मैं यहाँ पे आप तो अनटिल सिलेक्टेड कौन से वाले करूँगा, ये वाला फेस तक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे ला के 2 sided करूँगा। इसका थिकनेस कितना बढ़ाऊँगा मैं, इसका थिकनेस बनाऊँगा मैं कुछ 1 mm नहीं, 0.5 का किया था ना मैं, 0.5 बढ़ा लूँगा। मैं समझा देता हूँ, 0.5 मैंने कैसे लिया, 0.5 मैंने कैसे लिया, अब देखोगे यहाँ पे, तो ये वाला फैक्टर ले लिया मैंने, ये जो है इसका फैक्टर ले लिया मैंने, ये फैक्टर ले लिया। फैक्टर लेने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना माइनस है, ठीक है, कितना माइनस होगा, यहाँ पे पॉइंट गलत ले लिया है, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करना है, तो 1.5
के समथिंग आ रहा है, मतलब 1 mm का मुझे यहाँ से मेटल ऐड करना पड़ेगा इस एरिया में। तो यहाँ पे देखोगे मैं जो है यहाँ पे 0.5 किया है, इसको मैं -1 mm कर दूँ, क्लियर है। यहाँ पे मेरा जो है थ्रेड बनाऊंगा, इस एरिया में थ्रेड बनाऊंगा मैं। और ये जो मैंने हाइट लिया था, एक्सट्रूड लिया था, यह देखोगे आप 10 mm डिस्टेंस में लिया था, मतलब 10 mm ऑफसेट करके लिया हो यहाँ से, ठीक है। 10 mm की जगह मैं इसको 8 mm करूंगा। क्यों 8 mm करूंगा? क्योंकि यहाँ पे मैं यहाँ ऊपर से थ्रेड स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे थोड़ा सा चैम्फर लगाऊंगा मैं, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे चैम्फर मारूंगा, उसके बाद जो है इस एरिया को मैं इसके साथ कर दूंगा यूनिट, ठीक है। अभी हल्का सा यहाँ पे आप ब्लेंड लगा सकते हो, कार्व एज नहीं चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था 1.5 का लगाऊंगा, हल्का सा आप लगा सकते हो ब्लेंड, ठीक है। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहाँ पे मेरे को थ्रेड बनानी है ना, हेलिक्स बनानी है। अभी जो मेरा थ्रेड है, मैं कैसे थ्रेड बनाऊंगा, अब मैं समझाऊंगा आपको थ्रेड कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इसकी सर्कमफेरेंस दिखाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे जी दबाऊंगा तो मेरे यहाँ पे कितने का रेडियस यहाँ पे शो करेगा, देखो 54.5 है ना, ये 54.5 का मेरा जी है, इसका अलग होगा है ना, 54.5 है ये सरफेस, तो 55.4, ठीक है। 55.4 के साथ मेरे को हेलिक्स बनानी है जो इसकी थ्रेड के लिए। अब क्या बनाऊंगा मैं 55.4 के साथ, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली हेलिक्स लूंगा। हेलिक्स लूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, यहाँ पे फैक्टर घुमाना पड़ेगा, लाइक इस तरीके से 90 डिग्री मैंने यहाँ पे फैक्टर घुमाऊंगा, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद मेरा जो रिवोल्यूशन होगा ना, मैं 3 टर्न लूंगा, मतलब 3 टर्न लूंगा रिवोल्यूशन के लिए। और इसकी जो एज है ना, कितने में आना चाहिए, यहाँ पे देखोगे कि ऊपर है ना। अगर आपको सेक्शन काट के देखना है तो सेक्शन काट के भी देख सकते हो, सेक्शन काट के देखोगे तो ये कहाँ ऊपर से आ रही है ना। तो इसको मैं डाउन कर दूंगा, जो मेरा हेलिक्स है इसको मैं डाउन कर दूंगा 5 का। जैसे मैं 5 का डाउन करूंगा, मेरे यहाँ पे कहाँ खत्म हो रहा है, ऊपर में खत्म हो रहा है। अब जो मेरा 3 टर्न है, इसको मैं 3 टर्न को मैं इसको 2 टर्न कर दूंगा, तो नहीं इसको 3 ही रखूंगा मैं। और इसकी जो पिच डिस्टेंस है तो मैं कर दूंगा 4 mm का, ठीक है। पिच डिस्टेंस जो है एक, मतलब इस लाइन से यहाँ पे 4 mm है, ठीक है। डायमीटर जो अभी मैंने 54.5 था ना, तो यहाँ पे मैं रेडियस में ले लिया 55.4, तो यहाँ पे इसके टच कंडीशन में वो बनेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हो। और एक जैसे आप यहाँ पे टर्न में ले रहा हो, सारा चीजें में ले रहा हो, यहाँ पे एकदम बेहतर ले रहा हो, तो इसको लेने के बाद मैं ओके कर दूंगा। मैंने यहाँ पे हेलिक्स ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने हेलिक्स ले लिया। अब मैं हेलिक्स लेने के बाद ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको मैं कर लेता हूँ सॉलिड बॉडी, और इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसको मैं ले रखा हूँ यहाँ पे इस तरीके से। अगर कोई कोई केस में, जैसे कोई कोई केस में क्या होता है ना, जैसे थ्रेड यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे खत्म होता है, तो इसको कोई कोई आगे पीछे करते हैं। जैसे आगे पीछे करने के लिए आप इसको लेके इसको पीछे कर सकते हो, ठीक है। और ये वाले ऑब्जेक्ट को गायब कर दोगे ना, तो ये वाले ऑब्जेक्ट को आप गायब कर दोगे ना, लेंथन कार्ब लगाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल की जगह टोटल कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे सॉलिड बॉडी की जगह, मैं सॉलिड बॉडी की जगह मैं ये कर दूंगा, हाँ एक कुछ प्रॉब्लम हो गया है, लेंथन कार्ब टोटल स्टार्ट एंड सिमेट्री, बोथ साइड से आगे पीछे करना होगा, और बोथ साइड से कर सकते हो। नेचुरल लीनियर का नेचुरल रखा है यहाँ पे, टोटल इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल या टोटल जो भी सही है अप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे आप देखो पे ये कर्व है, कंट्रोल शिफ्ट आई करके मैं इस कर्व को हाइड कर देता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। इसी तरीके से भी आप थ्रेड या हेलिक्स को जो भी है आप बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते हो आप इसको लेके, तो थ्रेड बनेगी, एक इधर से स्टार्ट होगा, एक इधर से स्टार्ट होगा, तो ये तरीका भी आप अपना सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया तरीका है, मैं आपको जो बता रखा हूँ, ठीक है। देखो मैं अगर इस तरीके से बनाऊंगा तो मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा मैं किस तरीके से स्टार्ट करूंगा, तो चलो मैं इस तरीके से स्टार्ट करता हूँ। ये थोड़ा सा आपको यूनिक तरीका बता दिया लेंथन कार्ब लेके। और उसके बाद जो क्या करना है आपको, यहाँ पे जाके प्लेन लेना है। प्लेन लेने की बात, ये जो आपकी ये पॉइंट है, इस पॉइंट में सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इस पॉइंट के जाने के बाद यहाँ पे मैं स्केच ले लूंगा, अभी हाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब मेरा जो कार्ब बनेगा हमेशा इनसाइड बनेगा, है ना। मैं यहाँ पे एक कैप्चर ले लिया, एक मतलब स्केच ले लिया, इसकी सेंटर और इसकी सेंटर पॉइंट जो है दोनों के बीच में इसको मैं 0 कर दूंगा,
ठीक है, और इसकी सेंटर पॉइंट और इसकी लाइन, इनको भी मैं जीरो कर दूंगा। ठीक है, ये जो है 1.5 रखना है क्योंकि पीपी में बनेगा, अगर 1 mm से कम होता है पीपी में तो जाम से निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं लिफ्टर से निकालूंगा, मतलब कोलैप्सिबल कोर से मैं निकालूंगा। और ये जो थिकनेस होगा ना आपका, ये जो आपकी बनेगा, ये कुछ बनेगा 1.3 के अराउंड बनेगा ये। ठीक है, उसके बाद जो है इसको मैं कर दूंगा स्वीप। देखो स्वीप स्वीप करना है एक बार में, सभी को सिलेक्ट कर सकते हो लाइक दिस, उसके बाद ये गाइड करता हूँ। और यहाँ पे प्रिजर्व कार्ब को ऑन कर लेना, अगर नहीं करोगे तो फिर बाद में एज वगैरह ब्लेंड वगैरह नहीं लगा पाओगे। ठीक है, उसके बाद जो है मैं ये ले आता हूँ, देखोगे इस तरीके से कुछ मेरा बन गया है। अब देखो यहाँ पे जीरो थिकनेस बनेगा, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर देखो क्यों जीरो थिकनेस बनेगा बता देता हूँ मैं, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यूनिट करूंगा ना तो यहाँ पे जीरो थिकनेस का ऑप्शन आएंगे। ठीक है, कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है, तो आपको क्या करना होता है, देखो हैव ए जीरो टच कंडीशन है ना, तो आपको क्या करना है, इस फेस को लेके राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो ये जो पीछे वाली फेस है ना, ये पीछे वाली जो फेस है सिलेक्ट करके 0.1 का ऑफसेट कर दो बाहर की साइड, कर दिया, उसके बाद जो है इसको यूनिट कर दो। ठीक है, यूनिट हो गया ये। ठीक है, जो भी कार्व है, जो भी आपका फालतू का कार्व था, जो भी प्लान था, उसको आप हाइड करके इसको आप लेयर में डाल दो जो हमने लेयर बनाए थे। क्लियर है, अब उसके बाद हम जो है यहाँ पे ड्राफ्ट बनाएंगे। ड्राफ्ट बनाने के लिए क्या करना है, फैक्टर ये लेना है, वो वाली फैक्टर मत लेना क्योंकि हमने क्या करा है, लेंथन कार्व यूज करा है। ठीक है, लेंथन कार्व यूज करेंगे तो नहीं होगा, हम ड्राफ्ट यूज करेंगे। ड्राफ्ट यूज करने के बाद इसको हम जो है रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे इस तरीके से, ये आप और भी बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने 70 है तो मैं इसको क्या करता हूँ -75, ठीक है, -80 कितना भी हो सकता है, देख लो -75 करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम माइनस ये वाले ले लेंगे है ना, और इसको रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे, ये भी एज सिलेक्ट करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे भी बन गया है, और ये जो डिलेट फेस है इसको हम डिलेट फेस कर देते हैं क्योंकि इक्वल करना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम जो है आराम से एक ब्लेंड लगाएंगे, अच्छा वाला ब्लेंड लगाना है, जैसे मैं 10 का लगाऊंगा या 15 का लगाऊंगा या 20 का लगाऊंगा या 50 का लगाऊंगा, 50 मेरे को सफिशियंट लग रहा है तो मैं 50 का लगा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको हल्का सा यहाँ पे हल्का सा एक ब्लेंड लगाना पड़ेगा, आपको कितने का ब्लेंड लगाओगे, 0.5 का। ठीक है, 0.5 का हम यहाँ पे ब्लेंड लगाएंगे, 0.25 मार के भी देख सकते हो, बट मेरे हिसाब से 0.5 इज ओके। ठीक है, हमने क्या करके यहाँ पे 0.5 का एक ब्लेंड लगा दिया, आपका ये बन गया थ्रेड। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस तरीके से आपको क्या बनाना पड़ेगा, थ्रेड बनाना पड़ेगा। आई होप आप इन फ्यूचर आपके लिए कभी भी जॉब में थ्रेड बनेंगे बनाना होगा तो आपको बना सकते हो। देखो थ्रेड जो होती है ना, थ्रेड की अलग अलग स्टैंडर्ड होती है, अलग अलग स्टैंडर्ड बोले तो मतलब अलग अलग टाइप का होते हैं, जैसे एक होता है आपकी इस टाइप में थ्रेड होता है ना, जैसे पहाड़ की टाइप की होती है ना, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, एक होता है स्क्वायर थ्रेड, जैसे यहाँ पे मैंने रेडियस मारा। ठीक है, कोई कोई होता है स्क्वायर थ्रेड, स्क्वायर जैसा होता है, यहाँ पे रेडियस नहीं होता है, स्क्वायर जैसा होता है। ठीक है, वहाँ पे पावर ट्रांसमिशन जो गियर वगैरह बनती है ना, गियर बोले तो मैं क्या बोलता हूँ, जो पावर ट्रांसमिशन के लिए जो आप जैक बनाते हो, जैक उसमें लगती है स्क्वायर थ्रेड। ठीक है, एक होता है एक्मी टाइप का है ना, जो ज़्यादा यूज होता है, एक होता है आपका बटरेस बोलते हैं हम इसको भी, बटरेस टाइप का थ्रेड है ना, जो ऐसे टाइप का होता है, ऐसे ऐसे टाइप का होता है, वो बटरेस थ्रेड होता है, सारा टाइप का यहाँ पे थ्रेड होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर हम एक्मी थ्रेड वगैरह यूज़ करते हैं, और मैट्रिक थ्रेड हम सबसे ज़्यादा हम मैट्रिक थ्रेड यूज़ करते हैं। अब थ्रेड की तो बात कर ली, अब थ्रेड की जो ये 3 टर्न है, 4 टर्न है, उसके ऊपर भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है। देखो होता क्या है बेसिकली, जैसे आप थ्रेड बनाते हो ना, तो थ्रेड में जैसे क्या होता है ना, किसी में एक थ्रेड टर्न होता है ना, इसको हम बोलते हैं 400, मतलब जैसे यहाँ पे मेरा कितना हो रहा है, 3 आ रही है ना बेसिकली, तो 3 आ रही है, तो 3 का जो होगा मतलब 1, 2, 3, अगर ये मेरा 3 होगा ना तो इसको हम बोलेंगे 225। अगर मेरा यहाँ पे एक ही होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मतलब एक ही टर्न बनेगा ना, एक टर्न थ्रेड जो होती है उसको बोलते हैं 400। अगर आपके देर होता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके
ये घूम के कहीं इधर खत्म हो जा रहा है, मतलब यहीं पे खत्म हो जा रहा है वो ऊपर वाले में, मतलब डेढ़ टर्न हो गया, मतलब इसमें मेरा 3 टर्न है। तो यहाँ पे मैं यहाँ इसके साथ बता रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 टर्न है ना, कितना है यहाँ पे 3 टर्न है, तो इसको हम बोलेंगे 3 टर्न जो है 3 टर्न के अलग होगा। एक अगर 1 टर्न होगा ना यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम 400। अगर डेढ़ होगा 1.5 होगा तो हम इसको बोलेंगे 710। अगर इसमें दो होगा, दो दूंगा ना, तो 715। अगर हम कुछ दो ट्रेड देंगे नेरो ट्रेड, ठीक है, नेरो ट्रेड मतलब तो पतला, बहुत पतला होता है नेरो, मतलब ये जो होता है ना, ये वाली ये जो होता है ना, ये बहुत पतला होता है नेरो ट्रेड, इसको बोलेंगे 2 टर्न में, इसको बोलेंगे 725। अगर ये मोटा होता है ना तो इसको बोलेंगे 715 दो ट्रेड में, ठीक है। तो ये होती है अलग अलग ट्रेड को करने के लिए तरीका होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब बनाते हो ना ट्रेड, तो आपको पता होना चाहिए आप कौन सी ट्रेड बना रहे हो। ट्रेड का भी क्वेश्चन होती है, जो आपको मैं ये चीज बता रहा हूँ ना, ये सारा चीजें प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बता रहा हूँ मैं, जो हम मार्केट में यूज करते हैं ना उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से आपको ट्रेड बनानी है, ठीक है। बेसिकली ये जो ट्रेड है, हम कस्टमाइज ट्रेड बना रहा हूँ, मैं जो ये बना रहा हूँ आपको, 2 ट्रेड काफी होता है, क्योंकि ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है लेंथ ज्यादा है और इसकी डायमीटर ज्यादा है, तो इसके लिए मैं इसमें 3 टर्न यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर, कुछ सवाल नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा नेरो ट्रेड है, ठीक है, नेरो ट्रेड है और इसमें मेरा 3 टर्न है, तो याद रहेगा 400, 710, 715, 725, 730 और 2000। 2000 थोड़ा अलग होता है, वो अलग ट्रेड होता है, वो आप रेयरली आपको मिलेंगी उस तरीके से ट्रेड, ठीक है। ये इंटरव्यू में पूछते हैं, जब भी कैप एंड एनक्लोजर में आप अगर काम करोगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, कैप एंड एनक्लोजर में आपको ट्रेड टाइप पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर 1 टर्न होगा तो आप दोबारा, मैं लिख रहा हूँ दोबारा, मैं बोल रहा हूँ, नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लो, ये इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं, और ये मैं प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बता रहा हूँ जो मैं काम किया हूँ। अगर 1 टर्न होगा तो इसको बोलेंगे 400, अगर 1.5 होगा तो क्या होगा 710, अगर 2 ट्रेड होगा इस टाइप का, मतलब ये ठीक होगा, ठीक होगा तो 715, 725 जिसमें 2 टर्न होगा, इसमें 3 3 होगा, मतलब ये पतला होगा, तो इसको बोलेंगे 725, 730 इसको बोलते हम बटरेस ट्रेड बोलते हैं, बटरेस ट्रेड बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो इतना ही था इसमें, और इसमें देखो हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ये जो ट्रेड होगा, ठीक है, और टाइप्स ऑफ ट्रेड भी पूछते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक्मी होता है ना, स्क्वायर ट्रेड होता है, तो ये सब भी एक बार वीडियो को पॉज करके तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब इसको मुझे काटना है, काटना है, ठीक है, अब मुझे काटना क्यों है, इसको मुझे काटना है, अब मैं काटूंगा, अभी नहीं काटूंगा इसको, थोड़ा बाद में काटूंगा, और यहाँ पे स्टैंड के लिए थोड़ा सा चैम्फर वगैरह यूज कर सकता हूँ मैं, ठीक है, हल्का सा मैं चैम्फर यूज कर सकता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 0.5, थोड़ा सा स्टैंड डेवलप होगा कॉर्नर पे ना, 1 mm का कर देता हूँ, ठीक है। ये भी देखना है, अगर चैम्फर डाल रहे हो आप, उसकी वजह से कहीं पे कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है, पहले कंट्रोल एच करके मैं देख लेता हूँ, ठीक है, कोई वैसे दिक्कत नहीं है, चारों तरफ से ओके है, यहाँ पे मार सकता हूँ ना मैं, यहाँ पे मैं हल्का सा चैम्फर मारूंगा 1 mm का, ठीक है, क्लियर है ट्रेड कॉन्सेप्ट, आगे बना लोगे ना। अब मैं ये कोलेप्सिबल कोर करूंगा ना, तो यहाँ पे दो जगह मैंने इसको काट दूंगा, मैंने मतलब मेरा जो होगा एक तरह से यहाँ मैं काट दूंगा और एक तरफ से मैं यहाँ पे काट दूंगा। ये कैसे काटूंगा मैं, देखो इसको काटने के लिए एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखो इसको काटने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, देखो कभी भी मैं एंट्री पॉइंट नहीं काटूंगा, जहाँ पे ट्रेड एंट्री होगा ना, तो एंट्री पॉइंट में नहीं काटना है आपको, क्योंकि ट्रेड यहाँ से एंट्री होगा, ठीक है। मैं कहाँ काटने वाला हूँ, मैं इस तरीके से यहाँ पे काटने वाला हूँ, अब यहाँ पे काटूंगा तो मेरे को देखना कि यहाँ पे काटना है, मेरे को इस एरिया में काटना है ना, इसको भी ऑन करके मैंने देख लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाले ऑब्जेक्ट को ले आऊंगा, ठीक है। अब यहां से आपको करना क्या है, मैं यहां से एक, मैं यहां से एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे लूंगा मैं, यहां पे मेरे को एक ऑब्जेक्ट लेके उसको काटना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, कैस लूंगा यहाँ पे, लेने की बात, ये जो चैम्फर मारा था ना मैंने, तो मैं कर दूंगा प्रोजेक्ट कर, ये वाली को, ठीक है, प्रोजेक्ट कर दिया। अब मेरा हेलिक्स जो थ्रेड स्टार्टिंग कहाँ था, मेरा थ्रेड स्टार्टिंग जो यहाँ पे थे ना, मेरे को इस तरफ काटना पड़ेगा। इस तरफ काटने के लिए मैं कितना काटूंगा, जो मेरा स्टैंड बने, मेरा यहाँ पे कोलेप्सिबल कोर इतना चलेगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसको जो है मैं एक कर्व लूंगा सेंटर से, ठीक है। देखो ये जो मैं बना रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा अपने तरीके से बना रहा हूँ, अपने तरीके से इन द सेंस कितना होना चाहिए, ठीक है,
तो मैं यहाँ पे कुछ 15 mm पर साइड लेके चलूंगा, क्योंकि मेरे को स्ट्रेंथ सही है, मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा ना तो उसको मेरे को सही है स्ट्रेंथ। तो मैं क्या करूंगा, उसमें ऑफसेट मारूंगा, सिमेट्री ऑफसेट मारूंगा दोनों साइड 15 mm का सिमेट्री ऑफसेट, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसको मैं कर दूंगा यहाँ से कल्लास, और यहाँ पे तो मैं कर दूंगा, ये ऑब्जेक्ट काटना है ना मेरे को, तो काट दो इसको, काट दो, ये दोनों काट गया, ठीक है। गलत काट दिया एक जगह, एक कॉर्नर लगाते हम इसको तो, और इसको रखना है मेरे को, ये वाला एरिया काट रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको कहीं पे मेरा इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ना ये ऑब्जेक्ट जो है आपका अलग बन जा रहा है ना। अभी मैं क्या करूँगा, मेरा जो ऑब्जेक्ट है मैं हाइड कर देता हूँ, और यहाँ से इसको मैं लूँगा बाउंडेड। अभी ऐसा दिक्कत हो ना, टाइम बर्बाद ना करते हुए आप ऐसे भी काम कर सकते, ठीक है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, बस हो गया। देखो अब यहाँ पे हमने ड्राफ्ट का यूज नहीं करा, अभी ड्राफ्ट का यूज हम सबसे लास्ट में करूंगा मैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब ड्राफ्ट होती है यहाँ पे, ये जो कटिंग होते हैं ना ये ड्राफ्ट में कटिंग होती है। अब मैं जैसे यहाँ पे एक्सक्लूड करा है, यहाँ पे एक्सक्लूड साइड में यहाँ पे ड्राफ्ट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्राफ्ट का यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं ड्राफ्ट का यूज अभी नहीं, मैं बाद में करूंगा। इसी तरीके से यहाँ पे मेरा एक कोलैप्सिबल कोड ये से लेगा, एक कोलैप्सिबल कोड ये से लेगा, क्लियर है। इस तरीके से मैं दो कोड में निकालूंगा उसको कोलैप्सिबल कोड से। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइम जब भी थ्रेड बनाओगे तो इसी तरीके से बनाना, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और यहाँ पे स्ट्रैंड के लिए आप अलग से रिब वगैरह दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रिब्स काट दिया है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। आराम आराम से बना रहा हूँ कि आप भी वीडियो को पॉज करके समझ, ज़्यादा पॉज ना कर पाओ और चीज़ों को बेहतर समझ पाओ। और सारा साथ के साथ में कुछ कैलकुलेशन, कुछ थ्योरी भी बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना सही है, करना है, आपको अच्छा लगेंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब इसके साथ जो ये कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले सबको ले आता हूँ। तो अब मैं, जरूरत नहीं है, तो मेरा पहला वाला था, मैं हाइक कर देता हूँ, इसके साथ ये ले आता हूँ, ठीक है। अब इसके साथ आपको क्या बनानी है, इसके साथ जो थ्रेड बनानी है, इसके साथ आपको बनाने थ्रेड है ना, मतलब थ्रेड जो बनेगा आपका किसके ऊपर बनेगा, इसके ऊपर बनेगा आपका थ्रेड, डन। के ऊपर आपको थ्रेड बनानी है। अब जैसे मैं यहाँ पे थ्रेड बनाऊंगा, देखो सेक्शन काट के दिखाता हूँ आपको मैं, जैसे थ्रेड बनाऊंगा मेरा यहाँ पे थ्रेड, देखोगे ध्यान से देखोगे ना तो ये आगे निकल के आ रहा है ना, इसमें आगे निकल के आ रहा है, इसका भी इलाज है मेरे पास। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकल के आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको भी, इसका इलाज क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसकी थ्रेड के साथ इसकी डायमेंशन हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरा थ्रेड बना रहा हूँ, तो थ्रेड के साथ ये जो है मेरा प्रॉपर मैचअप नहीं हो पा रहा है। और मैंने भी ये नहीं देखा था, ये मैंने ये नहीं नोटिस नहीं करा, यहाँ पे देखोगे ना ये थोड़ा सा यहाँ पे जो ये चीज है ये बाहर निकल के आ रहा है। उस हद तक मेरे को यहाँ पे कितना बाहर निकल के आ रहा है मेरे को चेक करना पड़ेगा। इस तरीके से करूंगा ना तो थ्रेड मेरा एंट्री पॉइंट सही होगा, लेकिन क्या होगा ना कुछ जेट पार्ट ये निकल जाएगा, कुछ 5 mm है ना, तो 5 mm जो है इसको मेरा बैक लाना पड़ेगा। तो बैक कैसे लाऊंगा मैं थ्रेड को, थ्रेड को बैक लाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको ना एक गेम खेलना पड़ेगा। गेम कैसे खेलना पड़ेगा मैं आपको समझा देता हूँ। इसी तरीके से इसको क्लिक करके इसको आपको ले आना है, बैक लाना है, थोड़ा सा किसी की तरफ बैक लाना है। जैसे 3 mm है, 5 mm बैक ले आ रहा हूँ, मतलब कितना रह गया मेरा, 5 mm रहेगा, ठीक है। मेरा 5 mm जो है मैं इसको ले आओ बैक, ठीक है। 5 mm जो है मैं इसको बैक ला रहा हूँ, और आप देखोगे 5 mm जो है मैं यहाँ पे बैक ला रहा हूँ इसको,
अब इसको बैक ले आया, अभी मेरे थ्रेड को भी बैक लाना पड़ेगा, है ना। तो मैं थ्रेड को भी ले आऊंगा, दोनों को एक साथ नहीं लाना है, ठीक है। दोनों को एक साथ लाओगे ना सिलेक्शन में दिक्कत हो जाएगी आपको, तो ये वाले काम मत करना। पहले सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लो, इस सिलेक्शन में दिक्कत ना हो। के साथ जब भी सिलेक्ट करोगे ना, तो उसके साथ ऐसे सिलेक्ट मत कर लेना कि उसके साथ आपको सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़े। अगर जरूरत पड़े आपको, जैसे आप देख पा रहे हो कि यही पे कुछ सिलेक्ट नहीं हो रहा मेरा, यह वाला फेस सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह वाला फेस सिलेक्ट हो जाएगा ना, आपको दिक्कत हो जाएगी। नहीं हो रहा है ना, हम क्या कर सकते हैं इस केस में हम ना टेंजेंट बॉडी यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे ये है मूव कमांड करके, छोटी 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 चीजें है, फर्स्ट स्टार्टिंग में आप ध्यान नहीं रखोगे, बाद में आपको दिक्कत करेगा। टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ठीक है। सिमिलरली ये भी टेंजेंट है, ठीक है। होने के बाद हम इसको सिलेक्ट करके 5 mm आगे ले आएंगे, ठीक है। तो अभी जो है 5 mm जो है ये भी आगे आ जाएंगे, तो इसके साथ जो इसकी कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएंगे, मतलब वो सही हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है कभी कभी, अगर इस तरीके से नहीं होगा तो स्प्लिट करके करना पड़ेगा आपको, स्प्लिट करके भी आप कर सकते हो। इसीलिए मैं अभी ड्राफ्ट वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ड्राफ्ट वगैरह लगाऊंगा ना तो स्प्लिट करने में मेरे को दिक्कत आएगी, फैक्टर लेने में मेरे को दिक्कत आएगी, है ना। तो जो इसकी मोल्डिंग के ड्राफ्ट होगा, जो हम मोल्डिंग के हिसाब से लास्ट में मैं ऐड करूंगा, वो चीज़ें कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो हो गया ना, 5 की जगह इसको मैं 4 mm कर दूंगा, क्लियर है। यहाँ पे एरिया कम है और ये वाले एरिया भी कम हो जाएगा, तो इसको प्रॉपर स्ट्रेंथ चाहिए, तो 5 mm की जगह हम 6 mm रखेंगे नीचे से, ठीक है। 5 mm कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा इशू आ रही है तो इसको मैं 4 mm कर दूंगा। फिलहाल के लिए मेरा कोई दिक्कत नहीं है, इसको 5 mm में हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। कोई डाउट, छोटी छोटी चीज है, अगर सही ढंग से बनाओगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएंगे, तो अगर उस तरीके से नहीं बनाओगे तो आगे आपकी प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर जैसे आपको टाइम लग रहा है, इसको प्रीव्यू को ऑफ करके काम कर लोगे ना, तो फास्ट आप काम कर सकते हो, ठीक है। लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें रेस्पॉन्स सही था, सभी लोग देख रहे थे और उसको देख देख के बना रहे थे, तो मैं सोचा इसके जो बाकी का वीडियो है वो भी मैं डाल दूँ, ठीक है। कभी जैसे टॉलरेंस वॉलरेंस के लिए ना, कभी आपको 0.5 mm आगे भी से करना पड़ सकता है, जब आप मोल्डिंग के हिसाब से बनाओगे। जब भी इसको बनाओगे, मोल्ड जन हम बनाएंगे इसको, हम ये देखेंगे कि बाद में जो इसकी मॉडिफिकेशन होती है, मतलब जब भी इसकी आइट्रेशन होगा, कुछ चेंजेस वगैरह होगा, उसके हिसाब से आपको जो मेंटेनेंस के हिसाब से आपको रख के बनाना होगा। अब मेंटेनेंस के हिसाब से कैसे रख के बनाओगे वो कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा जब इसकी हम फुल डिजाइन करेंगे, प्रॉपर फुल डिजाइन करेंगे, ठीक है। अभी जैसे ये वाला मूव था, इसको हम जो है 4 mm कर देते, ठीक है। 5 mm की जगह इसको हम 4 mm कर देते, ठीक है। तो ये 4 mm हो गया आपका, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जैसे ओके हम करेंगे इसको बढ़िया से, तो इसको होने देते, हैंग ना हो जाए सिस्टम थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो गया है ना, सेक्शन काट के हम देख लेते हैं। तो कुछ कुछ चीजें जो होती है, जैसे ये आप देखोगे तो ये वाला पार्ट जो है ऊपर रह गया, उसको भी हमको ले आना है 5 mm जो है, तो भी हम 5 mm जो है नीचे लेंगे। रह नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ध्यान से, परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहते हो, जैसे यहाँ पे रेडियस होके खत्म हो गया, यहाँ पे एंट्री रेडियस सही है, यहाँ पे इसको अगर यहाँ यहाँ तक लाना भी चाहते हो तो ला सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे खत्म करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, इसके साथ आप लाओ, इसके साथ आप इसको कंट्रोल जे करके आप देख लो, कंट्रोल जे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, कंट्रोल जे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके ऐसे करके देखोगे तो ये ओके है ना। डन, तो देखोगे तो यहाँ से ये बैंड हो रहा है, तो यहाँ तक ठीक है, ज़्यादा दिक्कत होगा हम इसकी ड्राफ्ट कम कर देंगे। अब देखो, अब थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना,
देखो इसकी जो थ्रेड बनेगा ये दो पार्ट में थ्रेड है, तो इसकी थ्रेड जो बनेगा कुछ अलग तरीके से बनेगा। अलग तरीके से कैसे बनेगा, अब मैं आपको समझाता हूँ ये थ्रेड कैसे अलग तरीके से बनाना है। तो लास्ट टाइम जो हमने हेलिक्स लिया था उसके पहले हमने इसकी डायमीटर देख किया था क्या 54 था, ठीक है। अब 54 डायमीटर में ये इंटरसेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है पहले आपको ये चेक करना है। पहले जैसे हम चेक करके देख रहे हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट जो है अपना हो रहा है ना, इंटरसेक्ट हो रहा है। अब इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे इसके टेपिंग भी बनेंगे, थ्रेड भी बनेगा, यहाँ पे थ्रेड जो इसके ऊपर बनेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले एरिया को और कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, देखो यही तो बात है, यही आपको समझना है। इसको मैं बढ़ा दूंगा 1 mm के आसपास, ठीक है। इसको मैं कम कर दूंगा, जो ये वाले फेस है ना तो मैं कम कर दूंगा, ठीक है। इसके ऊपर काम करूंगा अभी 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 आप रुक जाओ, मैं इसको पहले इसको मैं खत्म करता हूँ फिर करूंगा मैं इसके ऊपर काम। इंटरसेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली 0.0 है, 0.0 नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 20 माइक्रोन 30 माइक्रोन 50 माइक्रोन की टॉलरेंस होना चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इसको ऑफसेट करा था इसी अकॉर्डिंग इसको भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर दूंगा, मतलब हम इसमें 200 माइक्रोन का टॉलरेंस रखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हम 1.2 रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, भी हम कर देते हैं 0.5, ठीक है। टेम्पर होना चाहिए 1 mm के आसपास, इसको मैं कर देता हूँ, क्लियर है, क्लियर है। अब आप सेक्शन काट के देख लो, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना तो टॉलरेंस सही है, ठीक है, आराम से ये इजेक्ट हो, इन आउट हो। इन आउट होने के लिए यहाँ पे मैंने ये दे रखा हूँ। अब यहाँ के बाद इसके ऊपर मैं थ्रेड बनाऊंगा। अब थ्रेड बनानी है, इसकी डायमीटर कितना था जी करके देख लेते हैं। इसका था 50, कितना था 52.8, ठीक है, 52.8 ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे कर्व में जाके हेलिक्स ले रहा हूँ, हेलिक्स ले रहा हूँ, हाँ घुमा देना है, नहीं सॉरी गलत हो गया, तो किस तरह से घुमाना है, इस तरीके से घुमाना है ना 90 डिग्री क्या था 52.8 ना, इतना था। जी दबा के देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, जी दबा के देख लो एक बार 52.8, का ठीक है। अब इसको हेक्टर ले लो, हेक्टर लेने के बाद को ले आओ माइनस टेन है ना, प्लस वन, ठीक है। तो इतना तक मैं ले आया उसको ऊपर तक माइनस वन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई चीज़ का डाउट है आपको, नहीं होना चाहिए डाउट, ठीक है। थ्री लेवरेशन ले रहा हूँ, सेम रखा, सारा चीज़ें सेम रखा है, पिच 4 है, सारा चीज़ें सेम रखा हो। अब आपको इस केस में ये देखना है इसके बीच में ये आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे देखोगे, वायर फ्रेम करके देखोगे तो यहाँ पे बीच में नहीं आ रही है, ठीक है। तो हेलिक्स को हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है, मुझे ये ठीक लग रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या पड़ेगा, फिर इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा आपको, ये जो मूव वाली फेस है ना इसको आपको ले जाना पड़ेगा ऊपर की साइड, माइनस थ्री, ठीक है। ये जो हेलिक्स एंट्री पॉइंट है इसको मैं बढ़ा दिया हूँ, यहाँ पे मेरे को थ्रेड चाहिए, ये मेरा सही है, आप बताना सही है, ये मेरा सही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये मेरा हेलिक्स बनेगा ना थ्रेड इस तरीके से, यहाँ पे हेलिक्स नहीं बनेगा इस केस में। इस केस में आपको हेलिक्स बनाने के लिए यहाँ तक कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाली ऑब्जेक्ट,
जो ऑब्जेक्ट है ना इसको आपको घुमाना पड़ेगा, तो आपको 90 डिग्री घुमा लो, फिर बताता हूँ मैं। अब सही है, अब सही है, क्योंकि ये मोल्डिंग के हिसाब से बनेगा आपका। मोल्डिंग के हिसाब से बनेगा मतलब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपको प्लान लेना पड़ेगा, ठीक है, अभी समझाऊंगा आपको, थोड़ा सा पेशेंट रखिए। यहाँ हम स्केच ले लेते हैं, ठीक है, इस तरफ बनेगा, ये बाहर की तरफ बनेगा, ठीक है, मतलब जो भी बनेगा यहाँ पे बाहर की तरफ बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा। तो हम जो है कितना लेंगे यहाँ पे, तो कितने के लिए बोला था मैंने आपको, 1.5 के लिए। सबसे पहले क्या करना है, इसकी पॉइंट और इसकी पॉइंट को 0-0 करना है, है ना, 0 करना है, और इसकी पॉइंट और इसकी सेंटर पॉइंट, इसकी सेंटर पॉइंट मिल नहीं रहा है, जब भी हेलिक्स बनाते हो ना सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ी कर देता है। तो हम 0-0 कर देंगे, ठीक है, तो 0-0 कर देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो थ्रेड हमने लिया थे इसका हाइट कितना रखना है, 1.5 का रखना है, ठीक है, और इसका कितना रखना है, कितने के लिए बोला था मैंने आपको, 1 के लिए हम रखेंगे या 1 रखेंगे, ठीक है, लास्ट टाइम मैंने कितने का रखा था, 1.5 के रखा था आई गेस, ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। एक बार देख लेते हैं जो लास्ट का जो हेलिक्स लिए थे हमने, लास्ट वाला जो हेलिक्स था कौन सा था, हेलिक्स पर जो हमने स्केच लिया था, स्केच की डायमेंशन क्या थे, हमने इसको लिया था 1.3 के, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम होना है, ठीक है, कि एक के ऊपर दूसरा थे चढ़ने वाला है, तो इसको 1.3 का रखना है, ठीक है, 825 वाला थ्रेड है ये, गैस लाना है और इसको स्वीप कर देना है, इसको ऑन करना है, ठीक है, तरीके से इसको ऑन कर देना है, हो गया आपका काम, आपका काम हो गया। यहाँ पे के बाद आपको करना क्या है, देखो हमने यहाँ तक बना लिया है, यहाँ के बाद आपको हमने जो है जो रेडियस लगानी है 0.5 का आपने रेडियस लगाया था, है ना, अब उसके बाद इसको मैं ट्रिम कर दूंगा, के बस मैं इसको ट्रिम बॉडी कर दूंगा, यहाँ पे प्लेन लेके ऐसे डिस्टेंस में करूंगा ट्रिम बॉडी, -5 -10 में कर दो, ठीक है, ये मेरा ट्रिम बॉडी कर दिया है, तो ये इतना ही होना चाहिए, है ना, और ये जो हेलिक्स है ना इसको मैं हाइट कर देता हूँ। अब बोलोगे सर ये क्या बना दिया आपने, ये तो मोल्डिंग के हिसाब से बनेगा, तो मोल्डिंग के हिसाब से मेरा ये ऐसा ही बनेगा ना, ऐसा ही बनेगा ना। अब इसको मैं ड्राफ्ट यूज करूंगा, ड्राफ्ट देके इसको मैं कहानी खत्म करूंगा, अब ये समझना आप भी, ठीक है, डायरेक्शन ये आप ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, कभी जो इसकी एज लेने में ना दिक्कत ही हो जाती है, बार इसको मैं कर दूंगा ट्रिम, ठीक है, ट्रिम करने के लिए इसको ये दोनों साइड से थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, 1 mm कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 mm 1 mm 1 mm, ये बार इसको हम कर देंगे ट्रिम बॉडी,
थोड़ा सोचने की कोशिश करना मैं क्यों कर रहा हूँ। हाँ अभी मैं मिरर मार दूंगा, आप समझ जाओगे, अभी थोड़ी देर में समझ जाओगे क्यों मैं कर रहा हूँ, क्या फायदा होगा इससे। देखो तो ये जो तरीका सिखा रहा हो ये तरीका कहीं मिलेंगे नहीं, पहली बात। हाँ अगर कहीं पे मिल रहा है तो पूरा फायदा ले लो इसका। भी काटना पड़ेगा आपको, ये जो ऑब्जेक्ट है हम काट देंगे। हम टीम बॉडी ये जो है थोड़ा सा वाला हटा के कुछ से करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन अलग है तो हम इसको भी एक्सट्रूड तरीके से काटना पड़ेगा। ये वाला एज ले लो, एज ये जो एज है इसको लेना पड़ेगा और फैक्टर होंगे आपका ये वाला, ठीक है। सिमिलरली ये वाला और ये वाला देख पा रहा हूँ कभी कभी ना ये सिलेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके सिमिलरली यहाँ पे एक्सटेंड लेना पड़ेगा, एक्सटेंड सीट लेके, ठीक है। यहाँ पे ट्रिम बॉडी से आपको इसको काटना है, यूनिट नहीं करना है, यूनिट करने से पहले काटना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है, यूनिट नहीं करना है, यूनिट करने से पहले काटना है आपको। उसके बाद डिलीट बॉडी लेके इन तीनों फेस को और यहाँ पे जो ये फेस है इन तीनों फेस को डिलीट कर देना है। अब ये जो हेलिक्स था जो हमने 100 लेयर पे डाला है, ये जो हेलिक्स था ये जो हम 100 कंट्रोल एन कर दिया, 100 कौन कर लेता हूँ मैं, ये जो हेलिक्स था जो हमने 100 लेयर पे डाला है इसको मेरे को वापस चाहिए, है ना। इसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जे कहा गया ये वाला हेलिक्स, सबसे नीचे वाला हेलिक्स, इसको मैं करके वन लेयर पे डाल दूंगा, दोबारा लेयर ऑन करके फिर चेंज कर दिया, तो इसको मेरे को जरूरत चाहिए क्योंकि मेरा ये जो दूसरा वाला थ्रेड बनेगा, ये वाला जो ऑप्शन बनेगा, तो इसमें मेरे को तो ये थ्रेड चाहिए, है ना, मेरे को तो ये वाला चाहिए ना, इसको चाहिए तो मैं इसको भी, इसका भी मुझे जरूरत पड़ेगा क्योंकि इसको मैं मिरर तो नहीं मार सकता हूँ, मिरर मार दूंगा तो कहानी खत्म हो जाएगा ना। देखो ना आप कैसे मिरर मार सकते हो, इसको मिरर मार ही नहीं सकते हो, आपको ये वाला पर्सन जो होगा ना जो हम काट करके बनाओगे, मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है जो इसको मैं स्प्लिट करके अभी से आपको समझा देता हूँ, फिर आप बाद में कन्फ्यूज हो जाओगे, मिरर मार दोगे फिर आपको बाद में ना पूरी टूल सेंस करना पड़ेगा, ये वाला गलती मत करना, ठीक है। इस तरीके से गलती पहले बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग कर चुके हैं। शायद नहीं ये हो जाएगा आपका एक स्केल, ठीक है। ये जो मैं अभी काम कर रहा हूँ ना ये इस फेस के लिए कर रहा हूँ, इस फेस के लिए काम करना पड़ेगा ना, ये थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा, तो इसीलिए आप इसको मिरर मत मार देना, मिरर मार दोगे तो गड़बड़ी इधर से स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ देखो जैसे यहाँ पे मैंने स्केच था ये वाली को मैं इधर से स्वीप कर दूंगा, फिर आप समझ में आ रहा है ना जो मेरा तरीका है, जो मेरा अप्रोच है, जो मेरा जो आप लोग को बता रहा हूँ, कितने एम एम मैंने इसको ट्रिम करा था ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ट्रिम बॉडी करा है मैंने, तो मैंने ट्रिम बॉडी करा है कितने एम एम डिस्टेंस में, 10 mm डिस्टेंस में, तो इसको भी मैं 10 mm डिस्टेंस में ट्रिम करूँगा। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज़ का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये आप देखोगे तो इसकी और जो थ्रेड है, इसकी थ्रेड है और इसकी थ्रेड है, दोनों के बीच में ना थोड़ा सा डिफरेंस होगा। और इसको एक तरीके से और बना सकते हो,
अगर बनाना है इन द सेंस कैसे बना सकते हो इसको एक और तरीके से, एक और तरीके से अगर बनाने जाओगे ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे ट्रिम करा, जैसे मैंने कहाँ पे ट्रिम करा, ये वाली ऑप्शन में मैंने ट्रिम करा, अगर मैं इसको ट्रिम ना करूँ, मतलब अगर मैं इसको एज डालने के बाद मैं यहाँ पे रख दूँ इसको, ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से भी बना सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से भी बना सकता हूँ, अगर मैं इसको ट्रिम ना करूँ मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ इसको, इस तरीके से बनाऊंगा ना, तो सारा जो ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, देखो कुछ कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये चीज़ें आपको बता देता हूँ। इसको मैं एक तरीका तो आपने देख लिया, ठीक है, अब दूसरे तरीके से बताता हूँ मैं। देखो तो ये वाला तरीका जो है थोड़ा कम का है, तो मेरे को कम का लगता है। अब यहाँ पे ये जो थ्रेड होगा, ये थ्रेड कैसे बनेगा, ये जैसे मेरे यहाँ पे नीचे आ गया है, यहाँ पे ये मेरा नीचे आ गया ना, तो मैं मिरर मार के बनाऊंगा ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको मैं मिरर मार के नहीं बनाना है, ठीक है, तो मुझे अलग तरीके से बनाना है, अलग तरीके से इन द सेंस मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे स्प्लिट करूंगा ऑब्जेक्ट को, मेरे को यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लूंगा, स्प्लिट करने के बाद इसको मैं मिरर मारूंगा यहाँ, ठीक है, यहाँ पे तो मिरर मारना, इसको तो मिरर मार सकता हूँ लेकिन इसको नहीं मार सकता हूँ ना मैं, इस केस में इसको मैं मिरर मार के बनाऊंगा। अब इसको स्प्लिट करूंगा फिर मैं दोबारा, तो मैं स्प्लिट करूंगा, ठीक है, अगर हेलिक्स को आपका अगर लेंथन का आपसे करना चाहते हो आगे भी से करके वो भी कर सकते हो आप, वो भी आप कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत, तो ये भी देखना है जैसे आप ये बना रहे हो ना मोल्डिंग डायरेक्शन के हिसाब से सही हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम जो है इसको स्प्लिट करेंगे, 10 mm इधर लेके और इसको सिलेक्ट करने के बाद -10 mm इधर लेके और बाकी का जो बेस का सेक्शन होगा ना तो हम डिलीट कर, गलत करने का रीजन ये है कि मोल्डिंग के हिसाब से बनना चाहिए, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं इस ये जो कर्व है इसको मैं और ऊपर ले लूँ, आप ले सकते हो, बेझिझक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो, ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है कि मैं इधर ऊपर है और यहाँ पे नीचे है, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे है, देखो यहाँ पे इक्वल है और यहाँ पे एक नीचे है, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी एंट्री ऊपर ले जाऊंगा, जैसे मेरा ये एंट्री ऊपर यहाँ पे खत्म हो, तो आप हेलिक्स के ऊपर एंट्री भी खत्म ऊपर ले सकते हो, मतलब जैसे मेरा हेलिक्स है यहाँ पे, मेरा क्या हेलिक्स यहाँ पे खत्म हो रहा है, राइट, तो इसको मैं 3 की जगह ना मैं 4 रिवोल्यूशन ले सकता हूँ, 3 की जगह मैं अगर 4 रिवोल्यूशन दूंगा ना तो यहाँ पे मेरा एक ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे जाके ये यहाँ खत्म हो रहा है, समवेयर यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, ये भी ओके है, ये भी परफेक्ट है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो भी हेलिक्स बनाऊंगे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टेपिंग ज़्यादा कर देता हूँ, कर देता हूँ खत्म कर देता हूँ और ये खत्म कर, ठीक है, यहाँ पे भी कोई आपको इशू नहीं है वैसे, यहाँ पे भी आप समझ गए हो, लेकिन यहाँ पे ये जो हेलिक्स है ना ये पतला होना चाहिए, एकदम पतला होके आएगा ये, ठीक है, ये भी जो यहाँ पे खत्म हो रहा है ना ये भी पतला होके बनेगा, इसको अभी फिलहाल के लिए मैं हाइड कर देता हूँ, तो डब्ल्यू करके जो कर्व है इसको कर देता हूँ मैं हाइड, ठीक है, इसको हाइड कर देता हूँ लाइक दिस, और ये अगर खत्म करना चाहता हो तो मैं इसको यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, तो आगे नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है, ट्रिम कर देता हूँ इसको मैं, देखो मेरा कुछ अलग अलग अप्रोच है, एंट्री थ्रेड मानता हूँ और इसको मैं एग्जिट थ्रेड मानता हूँ, भाभी ये यहाँ पे जाके ये मेरा एंट्री थ्रेड है और ये मेरा एग्जिट थ्रेड है, मतलब ये इधर से ऐसे स्टार्ट होके घूम के इधर से आने के बाद कहाँ खत्म हो जाएगा, इधर खत्म है ना, यहाँ स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ऐसे भी बना सकता हूँ मैं, देखते हैं अभी क्या हो सकता है।
अब उसके बाद जो है मैं इसको कर दूंगा एक्सट्रूड करके काट कर दूंगा यहाँ पे। अभी आप ड्राफ्ट वगैरह यूज करके भी काट कर सकते हो। बेसिकली क्या होगा ना कि यहाँ पे खत्म है, पर मैं इसको काट नहीं करूंगा ना, इसको मैं काट नहीं करूंगा तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कोई इशू नहीं है मुझे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जहाँ पे भी खत्म कर दूँ। मैं यहाँ पे हम ड्राफ्ट का यूज करते हैं, ड्राफ्ट का यूज करूंगा तो ये थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा। मुश्किल क्यों बनेगा, क्योंकि इसकी फैक्टर जो होगा ना, मोल्डिंग डायरेक्शन जो होगा ना, इस तरफ से होगा और इसका इस तरफ से होगा, तो आपको एक्सट्रूड का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है बात मेरा, एक्सट्रूड का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ड्राफ्ट भी दे सकते हो, अब यहाँ पे 5 डिग्री ड्राफ्ट भी दे सकते हो, वो भी चल जाएगा आप। ठीक है, इसको भी ले लेता हूँ मैं, ये ड्राफ्ट लूंगा तो उल्टा ड्राफ्ट बनेगा। -5 डिग्री ड्राफ्ट देना पड़ेगा, ड्राफ्ट दे देना, ड्राफ्ट दोगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके बाद जो है हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करके फिर इसको हम काट देंगे यहाँ पे ट्रिम। ये वाला प्लान लेके रिवर्स डायरेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, फिर ये सिलेक्ट करेंगे रिवर्स डायरेक्शन अप्लाई, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर ये सिलेक्ट करेंगे रिवर्स डायरेक्शन अप्लाई। ठीक है, अब देखो कि ये जो है थोड़ा सा हल्का सा ना प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, है ना, प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड करा है, ये जो है यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है ना, इसको मैं इंडिविजुअल करूँगा। ये ट्रिम को मैं कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, और इस एक्सट्रूड में इन दोनों को मैं हटा देता हूँ। मैं दोबारा से एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है ये काम, मतलब थोड़ा सा हेक्टिक टाइप का काम है। हेक्टिक इन द सेंस ये है कि यहाँ पे एक काम को आपको कभी कभी बार बार करना पड़ सकता है ना। ये ट्रिम टेन को हटा ही देता हूँ मैं, पहली बात को एक्सपोर्ट पे हटा ही देता हूँ। पहले एक एक करके काम करते हैं, शीट ठीक है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है काटने में। ऑप्शन एक है ये तो बढ़ा सकते हो, नहीं हो रहा है 0.1 करके भी देख लो, नहीं हो रहा है 0.001, नहीं हो रहा है। इसको आपको थोड़ा सा आगे की तरफ थिकनेस बढ़ा दो, मतलब यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दो, प्लीज प्लीज प्लीज, ट्रिम ट्रिम ट्रिम, नहीं हो रहा है ना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस तरीके से नहीं होगा तो कोई तरीका तो लगाना पड़ेगा आपको, है ना। यहाँ पे ये देख पा रहे हो, यहाँ पे जो है थ्रेड प्रॉपर तरीके से मैच नहीं हो पा रहा, इसका भी इलाज दूंगा मैं। ये बात, ये भी काटना है आपको, ये भी काटना है, ठीक है, दोनों का भी आपको करना है। तो सिमिलरली मैं इसी तरीके से काटूंगा, पहले मैं एक्सट्रूड करके काट लेता हूँ, क्योंकि वीडियो 51 मिनट का ऑलरेडी हो गया है, मैं कट के आपको दिखाता हूँ, है ना। वीडियो तब तक मैं पॉज कर लेता हूँ, आप ये कर लेना खुद से ही।
दोस्तों हो गया है। अगर इस तरीके से आपको ट्रिम नहीं होता है ना कभी भी, तो इसको क्या करना है, जो भी एक्सट्रूड में ड्राफ्ट लगाया आपने ना, इसको जीरो कर देना। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने एक्सट्रूड में, जैसे मेरा ट्रिम नहीं हो पा रहा था ना, तो मैंने इसको यहाँ पे जीरो कर दिया, डन कर दिया। बाद में ड्राफ्ट लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब इसके साथ इसको आप यूनिट कर दो, पानी समझ गया ना आपने, ये पंगा पड़ता है ना, इसके लिए आपको मैंने सॉल्यूशन बताया था। है ना, सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, 0.1 ऑफसेट कर। ठीक है, ऑफसेट करने के बाद इसको जो है हम यूनिट कर देते हैं। थोड़ा सा सिस्टम जो है ना हेलिक्स वगैरह में काम करते हो तो थोड़ा सा हैंग हो जाता है, डिसेबल नहीं होना है आपको। ठीक है, तो इसके साथ काम करते जाना है, थोड़ा स्लो होने तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको पॉज कर लेता हूँ, ठीक है, फिर यूनिट कर लेता हूँ मैं। हो गया, इसको ऑफ करना पड़ता है, तो इसकी वजह से भी प्रीव्यू जो ऑन होता है ना, उसकी वजह से भी आपकी सिस्टम जो है ना स्लो हो जाता है। मतलब चीज़ें कैलकुलेट होने लग जाता है तो फिर सिस्टम आपकी स्लो हो जाता है ना। डन हो गया। अब उसके बाद आपको करना क्या है, इसको ले आना है, ठीक है, इसके साथ इसको भी ले आना है, इसको भी ले आना है। अब इसको हम कर देते हैं यूनिट। डन। अब यहां पे आपको ब्लेंड लगाना है, हो गया, ब्लेंड लगा दो, सेम ब्लेंड लगाना, 0.5 का लगाया था लास्ट टाइम भी, यहाँ पे भी 0.5 लगा देना है आपको। डन। ये आपका जो है इसकी थ्रेड की, तो सॉरी मैंने यहाँ पे लगा दिया है, क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थ्रेड का काम हो गया है ना, समझ गया आपको, इस तरीके से थ्रेड रहेगा। और इसकी अभी मुझे अभी इसकी एंट्री पॉइंट देना है, ठीक है, इसकी एंट्री पॉइंट के लिए बहुत आप सिंपल है, आप ड्राफ्ट से भी दे सकते हो, तो लेके यहाँ पे ड्राफ्ट भी दे के भी इसको कर सकते हो लाइक दिस। इसके बाद यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है, और ये थोड़ा सा लंबा करना है, यहाँ पे इतना छोटा सा खत्म नहीं करना है। ठीक है, मैं जल्दबाजी में खत्म कर दे रहा हूँ, अगर आपको जल्दी खत्म करना नहीं है तो यहाँ पे मैं ड्राफ्ट को हटा के एक्सपुट से काम कर लेना, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ये ज़्यादा बेहतर होता है। एक्सपुट में आपको सीधा डिग्री मिल जाता है, जो है ना सीधा आपको डिग्री मिल जाएगा, देख रहे हो इसको, मतलब इसकी एंट्री मिलना चाहिए जैसे भी करो आप, है ना, ये आपको जैसे भी करो आपको इसको एंट्री मिलना चाहिए और ये स्मूथ ट्रांसमिशन होना चाहिए। क्लियर, बॉडी को एक शॉर्टकट कमांड बनाना है ना, अगर नहीं बनाना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, पर यहाँ पे रेडियस ज़्यादा लगाना है, इसके रेडियस को ख़त्म करना पड़ेगा, फिर इसके साथ रेडियस लगाना। जब ये रेडियस होगा तो यहाँ पे टेंजेंट आएगा ना, ये पहले इसको रेडियस को खत्म करना पड़ेगा, फिर आप डाल सकते हो, बोले तो इस तरीके से। थोड़ा सा सिस्टम जो है हेलिक्स के, मैंने बताया था जब हेलिक्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हो तो सिस्टम स्लो होता ही है ना, इसको मैं कर लेता हूँ रेडियस को पहले, इसलिए ग्लास में डालना होता है। ठीक है, 20 का डाल दिया हो, उसके बाद आप जो है यहाँ पे रेडियस लगा लो, 0.5 का था, इस तरीके से आप
यहाँ पे रेडियस वगैरह यूज कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया किस तरीके से मैंने बनाया है। और यहाँ पे भी आपको इस तरीके से ब्लेंड डालना पड़ेगा, इसको डालने से पहले जैसे मैंने इसको भी करा है, इसको भी आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मोल्डिंग के हिसाब से बनाओगे, यहाँ पे थोड़ा सा 0-0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ड्राफ्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ड्राफ्ट आपको डालना पड़ेगा, ड्राफ्ट नहीं डालोगे तो यहाँ पे ज़्यादा रेडियस डाल देना, मतलब जैसे मैंने इसमें अभी इस यहाँ पे करा है, तो भी इस तरीके से यहाँ पे करना पड़ेगा। मैं कर लेता हूँ कि मेरे को बनाना है ये पूरा जो आपको दिखाना है मोल्डिंग के हिसाब से दिखाना है, तो मैं बना लेता हूँ, वीडियो को पॉज करके सेम इसी तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हो इसी तरीके से बनाना है, ऊपर से देखोगे ना यहाँ पे रेडियस आ गया, देखो, ठीक है। तो ये तरीका सही है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। आई होप यहाँ पे समझ गए हो आप भी, ठीक है। यहाँ पे ये कनेक्टेड, ये रेडियस है, ये कनेक्टेड ये है, ये कनेक्टेड ये है, अगर इसको नहीं बनाऊंगा ना। और एक चीज यहाँ पे, जैसे ये एंट्री है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ये जो एरिया है ना, जैसे मैंने यहाँ पे रेडियस मारा है ना, मेरे को ये रेडियस हटा के इसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला एंट्री रेडियस हो जाएगा आपका, तब आपको जब भी इसको एग्जिट करना पड़ेगा तो ये थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये जो रेडियस है इसको हम हटा देते हैं, तो ये रेडियस थोड़ा अलग है, ये आप इस तरीके से नहीं बना सकते हो। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा आपको रेडियस का यूज करना पड़ेगा, ज्यादा मतलब ये स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि ये एंट्री रेडियस है। जैसे मेरा ये वाला एंट्री रेडियस था, ये वाला एंट्री रेडियस, ये ज्यादा स्मूथ है ना, तो ये भी ज्यादा स्मूथ होना पड़ेगा यहाँ पे भी, अब हो जाएगा ये। उसके बाद जो है यहाँ पे जो हम रेडियस यूज करेंगे, एक कमांड है रिसाइज ब्लेंड, ठीक है। रिसाइज ब्लेंड में जाके इसको हम ज्यादा कर देंगे, तो हम 30 कर देते हैं 40 कर दूंगा, तो मैं 40 नहीं हो पाएगा, एक 40 भी हो गया, कोई बड़ी बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद ये जो है एंट्री रेडियस बढ़िया होना चाहिए, आप कौन से कॉन्सेप्ट मेरा समझ पा रहे हो ना, ठीक है। मुझे काम है तभी परफेक्ट तरीके से बनाना होना, ठीक है। इसका रेडियस देखो, इसका अलग हो गया। अब इसके बाद जो है, ये जो मेरा रेडियस था, ये वाला रेडियस हो गया मेरा, ये वाला हो गया ना, और ये वाला है, ये वाला है, इसको भी मेरे को ज्यादा करना पड़ेगा, ये वाला जो है इसको भी मैं 30 का, ये हो रहा है 25 का, 25 भी नहीं हो रहा है, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट मार के 40 कर दूंगा, ठीक है। एंट्री रेडियस हमेशा स्मूथ होना चाहिए, जितना स्मूथ बनाओगे ना उतना बढ़िया है, रिसाइज यूज करना है, ये वाला नहीं जहाँ पे एंट्री होगा, ठीक है। 30 का 30 नहीं हो पा रहा है, 25 नहीं हो पा रहा है, ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो हम इसको कर लेंगे थोड़ा मैन्युअली बाद में। अब सारा चीज़ें ले आओ, इसके हिसाब से आप इसको सेट करके देख लो, परफेक्ट है। फिर यहाँ थोड़ा इंटरसेक्शन हो रहा है, वो ऊपर नीचे हो जाएगा इसी से, क्योंकि यहाँ पे गैप है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान ये रख के बनाना है, जैसे आप ये, जैसे आपने यहाँ पे ये थ्रेड बनाया है ना, ये थ्रेड मोल्डिंग के डायरेक्शन के हिसाब से होना चाहिए, मोल्डिंग डायरेक्शन के हिसाब से, मतलब हम हाइड कर देते हैं, जैसे आपने यहाँ पे स्वीप करा है ना, पैरामीटर फिक्स ओरिएंटेशन जो है यहाँ पे हम रिवर्स वेक्टर और एक सेकंड में देखने, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो डायरेक्शन है ना, ये मोल्डिंग डायरेक्शन के हिसाब से होना चाहिए, मतलब ये जो थ्रेड है ना यहाँ पे, ये जो है ना, ये टेपर में नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रेट होगा, ठीक है। तो ये मैं बोलने का तरीका ये है, ये स्ट्रेट होना चाहिए। इसको आप कब करोगे, जब आप इसको स्वीप कर रहे हो ना, तभी आपको करना पड़ेगा, मतलब मेरा बोलने का ये स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट कैसे करोगे, देखो एक कमांड रह गया, उसके वजह से अभी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी।
ये जो है ना, ये जो पैरामीटर है ना, इसको आप सॉरी या फिक्स है ना, वेक्टर डायरेक्शन करके इसको नीचे की तरफ कर दो, ये स्ट्रेट हो जाएगी। इस तरीके से आपको जब भी करोगे ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि नहीं करोगे ना, ये मोल्डिंग डायरेक्शन किसी से नहीं होगा, क्योंकि ये मोल्डिंग डायरेक्शन सीधा होगा। ये कहाँ करना है पता है, ये जब आप दो पार्ट में स्प्लिट करके बनाते हो ना, तो ये इस तरीके से करना है। ये अगर नहीं करोगे ना, फिर आपको बाद में ना, फिर जो भी आप इलेक्ट्रोड बिठाओगे ना, तो वो इलेक्ट्रोड कैसे बिठाओगे, जो आप थ्रेड की इलेक्ट्रोड बनाओगे, थ्रेड का इलेक्ट्रोड कहाँ बनाते हो, कहाँ बनती है, फीएमसी बनती है, लेट में बनती है, लेट में बनती है ना, तो जब इसकी लेट में बनाओगे ना, वो टेरा बढ़ जाएगा वो। ये जो प्रॉब्लम है ना, मेरे नीचे काम करते हैं कलिच है मेरा, ठीक है, तो उसने बनाया था, तो मैंने उस केस में मैंने चेक भी नहीं करा था कंपनी में। जब उसकी इलेक्ट्रोड बना, इलेक्ट्रोड के लिए जो उसने इलेक्ट्रोड बना के दे दिया, तब देख रहा था ये चीजें टेरा हो रहा था। फिर दोबारा मैं इलेक्ट्रोड के ऊपर काम करके इसको सीधा करके मैंने उसको समझाया कि इसको सीधा करो, ऐसे ऐसे करो, तब मैं ये इसको सीधा करके बनाया था। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा चीज़ें अपडेट हो रहा है, उसके नया से अपडेट हो रहा है। ये किस केस में करना है, जो दो पार्ट में है, जो वहां पे मेल फीमेल पार्ट है, उस केस में करना होता है। और जहाँ पे एक ही कैप बनती है, कोई भी एक कैप आता है ना, उस कैप में आपको करने का जरूरत नहीं है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं समझा रहा हूँ। इसको होने देते हैं, तो आप भी इसको ठीक कर लेना, ये तब पता लगा मुझे जब मैंने इसको सेक्शन काट के देखा, ठीक है, क्योंकि तो मैं भी उसको इतना देख नहीं रहा था, जब मैंने सेक्शन काट के देखा ये तेरा हो गया, तेरा हो जाएगा तो मोल्डिंग की डायरेक्शन के हिसाब से हो नहीं पाएगा। तो आप भी जब भी इसकी थ्रेड काटोगे, तो इसको आपको एलंग फैक्टर लेके करना है, नहीं तो ये तेरा बन जाएगा, तेरा बनेगा तो इलेक्ट्रोड नहीं बन पाएगा, इलेक्ट्रोड नहीं बन पाएगा तो फिर ये सही नहीं बन पाएगा, मीटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको होने देते हैं, टाइम लग जाएगा ऐसे थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया मेरा, एक जो है रिसर्च प्लान था ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं मुझे इसको प्लान करने के लिए, तो मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको भी, मेरे को भी, ठीक है, आपको पता है इस तरीके से बनाना है। ओ ये वाला जो है ना, यहाँ पे रह गया है, इन द सेंस यहाँ पे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, हटा देते हैं पहले, छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा देख के करना पड़ता है, इसको मैं डिलीट फेस कर देता हूँ पहले, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख पाओगे यहाँ पे हो गया है, सभी को ले आता हूँ एक बार, सभी को ले आऊंगा, आप समझ पाओगे। यहाँ पे पेन है, पेन को भी सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करके इसको 100 में डाल देता हूँ, क्योंकि जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। उसके बाद बैकग्राउंड पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ले आता हूँ मैं, अब सेक्शन काट के आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये 90 हो गया है, 90 हो गया, 90 हो गया है ना। अब ये भी 90 करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये भी 90 करना पड़ेगा, जैसे ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 करना पड़ेगा, क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ गया आपने, इतना इजी कॉन्सेप्ट था है ना, तो हमने इसको टिपिकल बना दिया था, तो इसको भी आपको 90 करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको 90 कैसे करना है, देखो ये अगर 90 नहीं भी होगा ना, बाद में भी करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्यों नहीं है, आपको कुछ कुछ करना नहीं है। जो स्वीप है ना, स्वीप में जाने के बाद आपको ये इसकी जो डायरेक्शन है ना, यहाँ पे वेक्टर डायरेक्शन कर देना है, और इसको डायरेक्शन नीचे की या ऊपर की साइड दे देना है, कितना ही करना है। अगर बाद में भी करोगे ना, तो एक दो कमांड भी अगर कुछ होगा ना, तो इसको राइट क्लिक करके इसको सप्रेस कर देना यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, मतलब थ्रेड जो है ऊपर नीचे हो रही है, इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ गैप बन जाएगा, जब भी इसको बनाओगे ना, तो यहाँ पे गैप बन जाएगा, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पॉइंटों में कुछ हो रहा है, ठीक है, तो लॉक के लिए, तो आपको यहाँ पे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लो क्लियर है। अब देखो हमने थ्रेड का काम कर लिया, अब थ्रेड का काम सीधा यहाँ पे मोल्डिंग डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे बनेगा, तो आपको कुछ टेंशन लेने वाली बात है नहीं यहाँ पे, है ना। तो
तो मैं कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ सेव। तो आपने आज थ्रेड का काम इस वीडियो में सीख लिया है। अब आपको करना क्या है, अभी जो नेक्स्ट वीडियो होंगे इसमें हम करेंगे इसकी लॉकिंग मैकेनिज्म के ऊपर, इसके ऊपर एक दूसरा लॉक कैसे होगा, ठीक है। और इसके साथ इसकी आगे वाले फेज बनाऊंगा मैं, आगे वाले फेज बनाने के बाद इसकी लॉकिंग मैकेनिज्म करूंगा। तो आगे वाला फेज जो है इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों एक चीज और, हाँ, अगर आपको लगे कि मेरा यहाँ पे ज्यादा इंटरसेक्ट हो रहा है, क्योंकि आप लोग कॉपी करके बनाओगे तो पहली बार में गलती भी हो सकता है, तो अगर आपको लगे कि मेरा यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है थ्रेड, तो मैं इसको आगे पीछे करना चाहता हूँ, तो आप एक काम कर सकते हो सिंपली, तो ये वाला एरिया है ना, इसको आप मूव फेस कर सकते हो ऐसे करके, तो मूव फेस कर दो, ये वाला साथ में मत कर देना, ठीक है। तो करके रिवर्स डायरेक्शन 0.25 है ना, 250 माइक्रोन जो है इसको मैं आगे कर देता, ठीक है। तो 250 माइक्रोन आगे कर दूंगा तो इसकी इंटरसेक्शन जो है खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, दो चीजें थ्रेड में आपने कितना चीजें सिखाया, मैंने टाइप्स ऑफ थ्रेड सिखाया और थ्रेड की कितना कितना रिवोल्यूशन का टाइप होता है वो सिखाया मैंने आपको, ठीक है। उसको हम कैसे मेटिंग करना है वो सिखाया मैंने आपको, एक दूसरे के बीच में कितना क्लियरेंस रखना है वो सिखाया आपको, तो सारा कॉन्सेप्ट आपको थ्रेड में पता लग गया है। इस तरीके से आप थ्रेड बनाओगे कभी फंसोगे नहीं, ठीक है। और जैसे ये मेल पार्ट है, ये वाला फीमेल पार्ट होगा, मेल फीमेल पार्ट में थ्रेड कैसे बनानी है वो सिखाया, और आपकी जो कैप वाले ऑब्जेक्ट होती है उसमें आपको थ्रेड कैसे बनानी है वो मैंने आपको सिखाया। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है ठीक हो गया आपको, इन फ्यूचर आपको थ्रेड में कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे कभी बनाना होगा तो दिक्कत नहीं आएंगे। तो भी प्रोडक्ट डिजाइन होता है मैं इसी तरीके से सिखाता हूँ और सारा बुक्स वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह सिखाता हूँ। इतना यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे रेट कर दोगे ना ये रेट शो करेगा, इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी करना चाहते हो तो अब कैप में कर लो यार, अब इसमें मत करना, इसमें कर लो, कैप में कर लो, कैप में यार 0.1 डाउन कर दो, है ना, कैप में कर सकते हो। कैसे करोगे बताया था यार लास्ट टाइम भी, मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट करके करना है ना, ठीक है, सारे सिलेक्ट हो गया, ठीक नहीं हुआ, तो हम जो है 0.1 कर देता हूँ मैं, ठीक है। 0.1 जो है इस तरफ ले आ रहा हूँ, ऊपर की तरफ ले आ रहा हूँ, मतलब इस डायरेक्शन में ले आ रहा हूँ। अब देख लो अगर यहाँ पे मैं छोटी छोटी रिब भी लगा सकता हूँ ना, लगाना चाहता हूँ तो रिब भी लगा सकता हूँ, लेकिन रिब लगाऊंगा ना तो लगा सकता, कोई दिक्कत नहीं है, तो रिब लगाऊंगा इसमें स्ट्रेंथ आएगा, बेसिकली मेरे को स्ट्रेंथ तो सही ही पार्ट में, अगर स्ट्रेंथ डेवलप करना है आप लगा सकते हो। अब दिखाओगे परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, तरीके से थ्रेड बना सकते हो, थ्रेड की कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, ठीक है। और लास्ट में थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे ड्राफ्ट यूज कर सकते हो, ड्राफ्ट वगैरह आपको देना पड़ेगा, ठीक है, तो आप ड्राफ्ट दे सकते हो, बाद में दूंगा मैं ड्राफ्ट वगैरह। तो यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, यहाँ तक मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब आगे का लाइट का जो पोर्शन होगा वो बनाऊंगा मैं, ठीक है। और ये जो ग्लास है, ग्लास को मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, इसकी लुकिंग अभी, इसकी लुकिंग बनाऊंगा अभी नेक्स्ट वाली में। अभी मैं इसके आगे का जो आपकी कवर आता है ना, जो पीएस पुलिस ट्रेनिंग का बनता है ये कवर, वो बनाऊंगा मैं अभी, ठीक है, पुलिस ट्रेनिंग का कवर जो आती है वो बना रहा हूँ मैं फिलहाल। तो दोस्तों हमने यहाँ तक कर लिया है, अभी अपने आगे का जो एक अलग पार्ट बनता है जो पुलिस ट्रेनिंग का बनता है, तो वो बनाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। उसमें मैं कैसे काम करूँगा देखोगे, जैसे ये वाला प्लेट है ना, इस प्लेट से जो ऑब्जेक्ट बनेगा कुछ बनेगा आपका, इस फेस से जो है 45 mm डिस्टेंस में एक प्लेन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे एक स्केच ले रहा हूँ मैं, इस एरिया में एक स्केच ले रहा हूँ। अब ये जो स्केच ले रहा हूँ इसकी जो सर्किल बनेगा अराउंड बनेगा 35 का, 35 का जो है इसकी आगे का पोर्शन बनेगा, और इसके नीचे जो मैं स्केच ले रहा हूँ, नीचे जो मेरा स्केच ले रहा हूँ, एक्चुअली अभी क्या दिक्कत है, अभी अराउंड जो है 340 हो गया है, अभी मेरे को कुछ सर्टिफिकेट के लिए जाना है, जैसे एक स्टूडेंट है अभी लगभग 30 स्टूडेंट अराउंड हो गया है, इसको मैं सर्टिफिकेट देने वाला हूँ, तो मैं सर्टिफिकेट प्रिंट आउट के लिए जा रहा हूँ, तो वीडियो को मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। अब दूसरी वीडियो में मैं इसकी सारा असेंबली वाला सिचुएशन दिखाऊंगा कैसे बनाना है। अभी ये जो है 85 करके आसपास ले रहा हूँ, 85 जो कम है इसको मैं 90 के आसपास, मैंने अभी फ़ोन आया था, अभी फ़ोन में क्या बोले थे कि आपकी सर्टिफिकेट हो गया है प्रिंट आउट, तो आप आके ले जाओ, तो
फिर जाके मैं सबको मेल कर दूंगा, जितने भी स्टूडेंट का अभी कोर्स खत्म हुआ है ना इनको मैं मेल कर दूंगा। अभी देखोगे, देखो मेरा जितने भी सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे वो आपका MSME रजिस्टर्ड है, ठीक है, और उसके बाद आपको ISO सर्टिफिकेट मिलेंगे, वो जो भी सर्टिफिकेट है ऑल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड आपके फेली रहेंगे मेरे सर्टिफिकेट जो है। तो इसको मैंने लेके और यहाँ पे मैं, ठीक है, जिसको इंटरेस्ट है, जिसको सीखना है ना सर्टिफिकेट, तो अलग बात होगी, जिसको अच्छे से सीखना है ना वो आ सकता है, क्योंकि सर्टिफिकेट एक अलग चीज़ होती है और जिसको सीखना होता है ना उसको सर्टिफिकेट जरूरत नहीं होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट तो एक वो चीज़ होगी जो आप, हाँ ठीक है, आप कर रहे हो मतलब, ठीक है। इसको लेके मैं यहाँ पे ये कर दूंगा, अब ये वाला प्रोसेस का जरूरत नहीं है, तो ये देखना यहाँ पे इंटरसेक्ट तो नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये ग्लास है, ग्लास ले आऊँगा मैं लेने के बाद, और यहाँ से जो आपकी ग्लास है इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा। सिमिलरली ये यही लूंगा मैं, इस पर प्रोजेक्ट करूंगा, डायरेक्ट लेके भी कर सकते हो यार, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, कभी बोलते बोलते लंबा हो जाता है, 1.2 mm थिकनेस का है, 1.2 mm थिकनेस का है, ठीक है। तो यूनिट नहीं करना है, अब इसको हाइट कर दो आप, तो भी आप हाइट कर दो, तो इसको मैं सेल कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सेल कर दे रहा हूँ बाहर की तरफ कर रहा हूँ, ठीक है, 1.2 mm का इसको मैं सेल कर दिया, और जितना भी स्केच है, फ्लैट है, स्केच है, इसको आप हाइड कर दो, तो हम 100 में डाल देते हैं, देखोगे इसके साथ जो है इसको मैं अटैच कर दिया हूँ, और यहाँ पे सर्टेन जो है गैप देना पड़ेगा आपको, कि एक हम काम ट्रिम कर दूंगा मैं यहाँ पे, के बाद जो है इसके नीचे जो जो ऑब्जेक्ट है वो लाना है, तो लाने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इसको भी आपको स्प्लिट कर देना है, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखना है आपको, कैसे देखोगे, यहाँ जाके स्टूडियो ले उसको फैक्टर दे दो, डन, लेके डिलीट बटन लेके तो डिलीट कर दो। इसके बाद जो है आप इसको हम यूनिट भी कर सकते हैं या रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसको इसके अकॉर्डिंग रिप्लेस के बाद इसको आप, ये क्या हो गया आपका, ये जो टॉस है ये ऊपर वाला पर्सन हो गया है, और जिसके ऊपर आपकी ग्लास बैठेंगे, ठीक है, उसके ऊपर आपकी बैठेंगे ग्लास, सबको ले आता हूँ एक बार, कंट्रोल सेक्शन एच करके दिखा देता हूँ, फिर उसके हिसाब से मैं अप एंड डाउन जो भी होगा मैं उस हिसाब से करूँगा, ठीक है। अब जो ग्लास है, और ग्लास जो है यहाँ पे एक जो है आपका अलग पर्सन है, पर्सन जो है क्या पर्सन है मैं आपको समझाता हूँ, जो मेरा ग्लास है, जो मेरा ये PS का है, अभी इसके मैं होल के लिए बनाऊंगा बाद में, तो यहाँ पे मेरा होल के लिए वो है, यहाँ पे जो ग्लास फंसने वाला है ना, ग्लास फंसने के लिए ऊपर एक मेरे को कवर लगाना पड़ेगा। अब ये कैसे बनाना मैं समझाते हूँ आप, ये जो ग्लास है तो मैं स्प्लिट कर दे रहा हूँ, गैस ले रहा हूँ मैं, गैस लेने के बाद यहाँ पे तो मैं ऑफसेट कर देता हूँ, 1.5 कह रहा हूँ, कर देता हूँ मैं करके, मैं स्प्लिट कर दूंगा फिलहाल के लिए, छोटी छोटी चीज है, थोड़ा ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। ये जो होगा ना ये इसके साथ यूनिट हो जाएगा, क्लियर है, इसके साथ ये यूनिट हो गया, यहाँ पे सॉलिड बॉडी लेना है आपको, और ये जो है ना इसमें 0.5 की क्लियरेंस देना है आपको, ये भी ध्यान रखना है, जब भी बनाओगे ऊपर से देखे ना, ये ऊपर से मतलब छुपा रहे, लाइक इस तरीके से,
है ना, ऊपर से ये सुपा रहा है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे तो ये प्ले है, तो ये प्ले है, जैसे ये आपको थ्रेड खींच दोगे ना, ये प्ले बंद हो जाएगा। ये जो प्ले है ना, ये जब इसको खींच दोगे ना, थ्रेड इसको घुमा दोगे, तो ये 0-0 होकर ये बंद हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे आपने लाइट के लिए ये बनाया, लाइट लगाया हमने, इसके लिए भी एक काम आपको और करना पड़ेगा। थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, तो होगा ना व्हाइट कलर का बन जाएगा, व्हाइट कलर, ठीक है। और ये जो लाइट आएंगे ना, इसके ऊपर लाइट आएंगे, लाइट के ऊपर एक कवर आएंगे आपका, लाइट पर आपका एक कवर आएंगे जो अंदर की तरफ होंगे, 25 mm तक रहेगा, नहीं नहीं ये जाएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ 1.4 mm नीचे चला जाएगा, ठीक है। मैं कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट, कर दूंगा, बट यहाँ पे इसको कीप टू ऑन कर दूंगा। इसके बाद जो है इसको मैं कर दूंगा डाउन 0.5, ठीक है। इसके बाद इसको मैं कर दूंगा यूनिट, कंट्रोल जी नहीं, कंट्रोल एच करना पड़ेगा। इसमें हम देखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे इसको बढ़ाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना क्या मैं करना जा रहा हूँ, 1.6 है ना, तो हम 0.6 को आगे करते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे 1.2 और यहाँ पे इसको कर देंगे 0.6 डाउन, क्लियर है। और यहाँ पे जो होल होंगे, एक छोटा सा यहाँ पे कट के लिए होल बनाना पड़ेगा आपको, जो LED लाइट होता है ना उसके लिए। आपको कुछ हाथ है मैम की आसपास, ठीक है, डन है। सारा चीजें ले आते हैं, इसको हम जो है यहाँ पे इस तरीके से बना देंगे, ठीक है, क्लियर है। इसको अगर राउंड फिगर करना है, जैसे मेरा रिसाइज फ्लैस करना है 8 mm का है, इसको फिलहाल के लिए 5 करके रख, तो ये आपने समझ गया है यहाँ पे। और इसके साथ जो लगने वाला है नीचे से, ये जो अटैचमेंट है ना, यहाँ से एक्चुअली एक प्लेट लगता है, जो ऊपर की एक प्लेट लगता है, प्लेट के साथ यहाँ पे LED नीचे से लगेंगे, और नीचे से जो ये प्लेट लगेंगे उसके साथ ये बोल्ट हो जाएगा, मतलब ऊपर से एक सपोर्ट होगा, ठीक है। सपोर्ट कहाँ पे होंगे, यहाँ पे 2 होल होंगे, यहाँ पे आपका 2 होल्ट होंगे। ये होल्ट कैसे करना है, 2 होल्ट कैसे करना है, देखो कैसे करना है, बता देता हूँ। 20 में लिया, 20 में नहीं 18 में ले रहा हूँ, ठीक है। छोटी छोटी चीजें है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। 18 में ले रहा हूँ मैं, 15 में ले रहा हूँ, 16 में ले रहा हूँ, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा, इसके बाद पॉइंट लेना है आपको, दो पॉइंट लेके तुम्हें एग्जिट कर दे रहा हूँ। अब उसके बाद आपको थ्रेड लेना है, टेपिंग करना है, छोटी सी बोल्ट होती है ना, इसमें आप टेपिंग करते हो, और थ्रेडेड वाली लगानी है आपको, M4 का, ठीक है, टेपिंग लगा लेना है। इस मतलब ये नीचे से टेपिंग वाला थ्रेड होती है, तो मैं M4 का थ्रेडिंग लगा के रख दिया इसको, बस इतना मैं रख करके रख दूंगा, ठीक है। इसके ऊपर हम जब मैं उसकी बाकी सारी चीजें बनाऊंगा तब आपको ये समझाऊंगा मैं। चलो, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक आपको, यहाँ तक समझ में आ गया है कि हमने कैसे बनाया, किस तरीके से ये बनाया हमने। इसके ऊपर एक अलग से प्लेट आएगा, तो मैं जो प्लेट है, समझा दिया मैंने कैसे बनाना है प्लेट को, है ना। इसको जो प्लेट है हम बना ही लेते हैं प्लेट को भी,
1.2 यहाँ से ये जो प्लेयर होगा हल्का सा क्लियरेंस चाहिए, कितना देंगे क्लियरेंस, हमेशा 0.2 का क्लियरेंस काफी होता है एक मीटिंग पास से लेकर दूसरा मीटिंग पार्ट तक क्लियरेंस जो रखते हुआ। ठीक है, ठीक है, ये हमने यहाँ तक दे दिया है। और जो ये लाइट होगा दोनों का सेम नहीं होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ऑफसेट होगा कि इसमें अब जब लगाओगे ये थोड़ा सा इंटरफेरेंस ना हो, तो इसको हम 0.25 आगे कर देंगे। क्लियर है, सारा चीजें ले आता हूं मैं, कंट्रोल टैप कर लेता हूं। तो अभी हमने क्या समझा इस वीडियो में, इस वीडियो में हमने ये समझा इसकी थ्रेडेड कैसे करते हैं, है ना, जो मेरा ABS का पार्ट है, ठीक है, तो हमने थ्रेड कैसे करा, किस तरीके से हमने इसके थ्रेड बनाया, क्या टाइप ऑफ थ्रेड क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद जो थ्रेड्स बनाते हैं उसमें जैसे 410 क्या, 415, 425 क्या होता है ना, 400 क्या होता है, 405 क्या होता है, तो ये हमने सारा चीज़ें समझाया इस वीडियो में। उसके बाद हमने इसके PS की पार्ट बनाया हमने, है ना, जो अपना PS है उसकी हमने एक पार्ट बनाया, ठीक है। इस तरीके से हमने वीडियो में कुछ कुछ चीज़ें इसमें हमने समझा, कुछ कुछ चीज़ें हमने सीखा वीडियो में। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होंगे इस असेंबली के ऊपर काम करूंगा और ये वाला पार्ट कराऊंगा, इसके ऊपर जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है जैसे लाइट ऑन करने के लिए क्या मैकेनिज्म है वो बताऊंगा, और इसके नीचे जो लाइट आएंगे वो बनाऊंगा, ठीक है। और मे भी दो वीडियो बन सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है, बहुत सीखने को मिलेंगे आपको, है ना। थ्रेड के बारे में सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, अभी आप अगर थ्रेड आएंगे आप बना सकते हो देख के, तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही था। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, इस वीडियो में जो है हमने थ्रेड के बारे में सीखा, स्टैंडर्ड के बारे में सीखा, मेल फीमेल पार्ट की कैसे असेंबली होती है उसके थ्रेड कैसे बनता है उसके बारे में सीखा, पीएस पार्ट जो हम कैसे डिसाइड करते हैं कितना टॉलरेंस लेते हैं उसके बारे में सीखा। तो अगली जो वीडियो होने वाला है उस वीडियो में मैं सिखाऊंगा इसकी लॉकिंग मैकेनिज्म के ऊपर, जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म होती है ट्रॉस की ऑन ऑफ वो कैसे होता है। उसके बाद जो ये पार्ट है उसके पार्ट और दूसरी पार्ट के साथ लॉकिंग कैसे होता है उसके बारे में बताऊंगा। थर्ड पार्ट बताऊंगा ये स्लाइडिंग पार्ट है इसके बाद इसके साथ ये कैसे असेंबली होता है इसके बारे में बताऊंगा। जैसे ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, दोनों अलग अलग पार्ट है ना। अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लेके दिखाता हूँ तो ये मेल पार्ट है आपका, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। तो मेल और फीमेल पार्ट को कैसे आप असेंबली करोगे, किस हिसाब से इसकी लॉकिंग होगा, क्या ये होल के साथ क्या बॉस बनेंगे, क्या स्टैंडर्ड होता है उसके बारे में बताएंगे। और जो फोर्थ चीजें बनने वाला है जो इसकी लाइट है, जिसे जो लाइट लगा रखा है, ये लाइट कैसे काम करेंगे, कैसे असेंबली होगा, ये कैसे ये बनेगा, इसके ऊपर बनाने वाला। तो लास्ट जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो जो पहले वाला वीडियो नहीं दिखा और दो वीडियो इसकी बन चुका है, जो पहले का वीडियो नहीं दिखा है वो वीडियो देख ले, क्योंकि अगर वो मिस कर दोगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएंगे। और इसमें मैं ऐसा बना कर रखा हूँ कि आप हर एक चीज़ें देख देख के बना सकते हो खुद से पूरी ये लाइट टॉस, ठीक है। क्योंकि इसकी जो है मैं पूरी मोल्ड डिजाइन भी बनाने वाला हूँ, तो आपकी मोल्ड डिजाइन भी सीखने को मिलेंगे। तो टॉस आप जरूर बना लेना, क्योंकि मैं इसकी फाइट जो है शेयर नहीं करने वाला हूँ, वो आपको खुद बना के उसकी आप मोल्ड डिजाइन बना सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।